हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जन्माष्टमी पर 10 लाइन का निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली लाइन, जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दूसरी लाइन, जन्माष्टमी को साधारणतया कृष्ण जन्माष्टमी तथा गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। तीसरी लाइन, जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथी लाइन, जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पांचवी लाइन, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे जो कंस रूपी बुराई का अंत करने के लिए अवतरित हुए थे। छठवी लाइन, इस दिन लोग अर्ध रात्रि तक व्रत रखते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अर्ध रात्रि को हुआ था। सातवीं लाइन, इस दिन संपूर्ण देश में जगह जगह पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आठवीं लाइन, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा श्री कृष्ण की लीलाओं को झांकियों से प्रदर्शित किया जाता है।
नवी लाइन यह त्यौहार हमें धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की सीख देता है। हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दसवीं लाइन जन्माष्टमी का त्यौहार संपूर्ण भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।